अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दानिश मलिक हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज तारीख है मुहर्रमुल हराम की 9, आज ही गश्त की रात है और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अपने शहर उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मोहल्ला नई बस्ती के अंदर मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख को यानी गश्त की रात को ताजियदारी का जुलूस किस तरह निकाला जाता है, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मोहल्ला नई बस्ती के काफी सारे ताजी और पंखों का लाइव वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं मुरादाबाद से जुड़ी हुई इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के रोजाए मुबारक को इस ताजिए के अंदर कितने खूबसूरत तरीके से डिजाइन करके दिखाया गया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या दिलचस्प नजारा है। और ये ताजिया मोहल्ला नई बस्ती के अंदर बनाया जाता है। दोस्तों इस खूबसूरत ताजिए में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोजाए मुबारक को तामीर करके दिखाया गया है। और दोस्तों इसी तरह के ताजिए बनाना बिल्कुल इस्लाम के अंदर जायज है। दोस्तों इस खूबसूरत पंखे को आप लोग देख सकते हैं कि इस पंखे को कितने खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है और इस पंखे में कितने खूबसूरत अंदाज में इन कबूतरों के डिजाइन को बनाया गया है, जिसमें ये कबूतर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की याद में एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हुई जंग को, करबला के मैदान को कितने खूबसूरत तरीके से इस वीडियो के अंदर दर्शाया गया है। इस खूबसूरत कारीगरी दिखाने वाले भाई के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग इस व्हाइट कलर के खूबसूरत ताजिए को देखें, जिसके अंदर लकड़ी की बड़ी शानदार कारीगरी करके इस ताजिए को बनाया गया है। दोस्तों इस वीडियो में जो आप लोग इस ताजिए को देख रहे हैं, ये कोई आम ताजिया नहीं, बल्कि इस ताजिए को सोने और चांदी से मिलकर बनाया जाता है। और जिस जगह पर ये ताजिया रखा जाता है, बताया जाता है कि इस जगह की बड़ी मान्यता है। जो शख्स भी यहाँ पर दुआ मांगता है और अपनी जो भी मुराद मांगता है, उसकी हर मुराद दुआ कबूल होती है। दोस्तों यहाँ पर मुरादी केले खिलाए जाते हैं। दोस्तों आप लोग जो इस वीडियो में इस खूबसूरत ताजिए का दीदार कर रहे हैं, इस ताजिए को सरसों की घास से स्पेशल तैयार किया जाता है और काफी दिनों पहले इस घास को उगाया जाता है। और इस खूबसूरत ताजिए के अंदर निचले इलाके में यानी स्टार्टिंग पार्ट में करबला के मंजर को याद करके बहुत सारे घोड़े और ऊंट भी खड़े किए गए हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो आप लोग इस गुलाबी कलर के खूबसूरत ताजिए का दीदार कर रहे हैं, इसको मरहूम शफत बारसी, उनके पोते अयान बारसी और रयान बारसी ने मिलकर बनाया है। Oh.
दोस्तों इस वीडियो में जो आप लोग इस खूबसूरत पंखे का दीदार कर रहे हैं, इस पंखे को मोहल्ला नई बस्ती के पास नई सड़क के इमामबाड़े में तैयार किया जाता है। और इस खूबसूरत पंखे में आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आप लोगों का दिल खुश कर देगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों इस वीडियो में जो आप लोग रोज़ाए काबा शरीफ की ज्यारत कर रहे हैं, इसको मोहम्मद इंतकाब हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक के गद्दी नशीन मुफ्ती इंतसाब हुसैन कादरी साहब बनवाते हैं। आपको बता दें कि इसी तरह के रोजे बनाना 10 मुहर्रम को बिल्कुल जायज है, लेकिन आप लोग इनको लेकर रोडों पर नहीं घुमा सकते, इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। दोस्तों इस खूबसूरत वीडियो में जो आप लोग इस करबला के दर्दनाक मंजर को देख रहे हैं, इस पूरे मंजर को मोहल्ला नई बस्ती के छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर बनाया है, जिसके अंदर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला नो की कुर्बानी को याद करते हुए करबला के मैदान को खूबसूरत तरीके से तामीर करा गया है। दोस्तों इन छोटे छोटे से बच्चों ने मिलकर इस करबला के मैदान के अंदर खून की नहरों के साथ साथ बहुत कुछ दिखाया है, जिसे देख कर आप लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि छोटे छोटे से बच्चे ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो आप लोग इस खूबसूरत ताजिए का दीदार कर रहे हैं, इस ताजिए को भी मोहल्ला नई बस्ती के छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर बनाया है। और ये ताजिया स्पेशल सरसों की घास से तैयार किया गया है। इस ताजिए को बनाने के लिए काफी दिन पहले से काफी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों इस वीडियो में भी जो आप लोग इस खूबसूरत ताजिए का दीदार कर रहे हैं, इस ताजिए को भी सरसों की घास से मिलकर बनाया गया है। आपको बता दें कि एक लकड़ी के ऊपर बहुत दिनों पहले से ही सरसों की घास को उगाया जाता है, जिसके बाद में ये ताजिया तैयार किया जाता है। ये सभी ताजिए आप लोगों को 9 मुहर्रम की तारीख को नई बस्ती के इमामबाड़े के पास में रखे हुए मिलेंगे।
दोस्तों इस वीडियो में भी जो आप लोग इस खूबसूरत ताजिए का दीदार कर रहे हैं, इस ताजिए को भी लकड़ी और गोल्डन पिन्नी से मिलकर बनाया गया है। और ये खूबसूरत ताजिया भी आप लोगों को मोहल्ला नई बस्ती के इमाम बाड़े के पास ही में रखा हुआ 9 तारीख को मुहर्रम को मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोग जो इस वीडियो में इस खूबसूरत ताजिए का दीदार कर रहे हैं, ये ताजिया भी सरसों की घास से मिलकर बनाया गया है। इस ताजिए को बनाने में भी लकड़ी और सरसों की घास का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि आप लोगों को ये ताजिया मोहल्ला नई बस्ती के इमाम बाड़े के अंदर 9 मुहर्रमुल हराम की रात को रखा हुआ मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में जो आप लोग इस येलो और वाइट कलर के ताजिए का दीदार कर रहे हैं, ये ताजिया भी आप लोगों को मोहल्ला नई बस्ती के इमाम बाड़े के सामने वाली गली में 9 मुहर्रमुल हराम की रात को देखने को मिलेगा। और इस ताजिए के बराबरी में आप लोगों को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये रोज़ाए मुबारक भी देखने को मिलेगा। इस छोटे से ताजिए के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक और खानाए काबा के रोज़ा को कितने खूबसूरत तरीके से तामीर किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये सभी ताजिए सिर्फ अपनी गली के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनको कहीं पर भी घुमाया फिराया नहीं जाता। ये ताजिए बिल्कुल उसी अंदाज में बनाए जाते हैं जिस तरीके की इजाजत हमें इस्लाम देता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके मुरादाबाद की आवाम तक इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे एक और किसी आने वाली नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।